कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूमा उपनगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कई गांवों के लोग हुए शामिल। आज सिवनी जिले के धूमा में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यादव महासभा संगठन धूमा क्षेत्र के द्वारा श्री कृष्ण जी की पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके मनोहारी कार्यक्रम में रथ एवं घोड़े, अहिरीन रथ एवं शिव तांडव, राधा कृष्ण रथ अत्यंत मनोहरी झांकियों के साथ चल समारोह निकाला गया। अनेकों स्थान पर जगह जगह विभिन्न प्रकार के भंडारों का आयोजन किया गया। तो वहीं नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति बसंत नगर धूमा मेन रोड पर एक 20 फीट ऊंची मटकी बांधी गई, जिसे अरिशिवनी से आए सैला अहिरी नृत्य के कलाकारों द्वारा फोड़ा गया, जिसमें नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा 1100 रुपए एवं शील्ड देकर सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया गया। भगवान की पालकी यात्रा का पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पालकी शोभा यात्रा रही, जो कि पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। वहीं बाहर से आए हुए अनेकों प्रकार के कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिली। वहीं घोड़े में सवार होकर स्थानीय लोगों ने खूब लुत्फ़ उठाया। जगह जगह फल, दूध, खीर, मिष्ठान के भंडारे के स्टॉल लगे रहे। वहीं इस वर्ष सभी कार्यक्रम बाजार चौक धूमा में संपन्न हुए। क्षेत्र के बड़ी संख्या में यादव समाज के सामाजिक जन उपस्थित रहे, जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें स्थानीय नगर वासियों सहित धूमा नगर के सामाजिक जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से उक्त कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो वहीं आयोजक समिति के सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम में अहम भूमिका नंदकिशोर यादव, प्रवेश कुमार यादव और उनकी पूरी टीम की रही, जो विगत एक सप्ताह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए लोगों को मुखातिब होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रूपरेखा बनाते आए हैं।